जी, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है पैरानेजल साइंसेस वाला। हमने नोज़ के जो हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, अब हमारे सिर्फ उसे साइंसेस वाले रह गए हैं। सो पैरानेजल साइंसेस आपको पता है कितने होते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी अनाटॉमी। अनाटॉमी ऐसे आपने करना नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो है इसमें टॉपिक करने हैं वो बता देती हूँ मैं आपको, कौन कौन से जो है वो करने हैं। सबसे पहले बताया कि इसके एंटीरियर ग्रुप होता है और एक होता है पोस्टीरियर ग्रुप होता है। जो एंटीरियर ग्रुप होता है उसमें कौन कौन सा होता है, मैस्ली होता है, फ्रंटल होता है, एंटीरियर एथमोडल होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ ओपन होते हैं, ये ओपन होते हैं मिडल मीएटस के अंदर। और इसकी जो ऑस्टिया होती हैं वो लाई करती है एंटीरियर टू द बेसल लैमेला ऑफ मिडल टर्मिनेट, ठीक है, मिडल टर्मिनेट के बिल्कुल एंटीरियर साइड जो है वो लाई करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर ग्रुप की। पोस्टीरियर ग्रुप में कौन सा होता है, पोस्टीरियर एथमोडल आते होते हैं साइनसिस। इसके अलावा आपका एक और आता है, वो है स्फिनोइड साइनस विच ओपन इन द स्फिनो एथमोडल रेसिस। और ये आपका जो है वो एम क्यूज भी है कि स्फिनो एथमोडल रेसिस के अंदर ये ओपन होता है। आगे हम बात करते हैं मेसल साइनस की। मेसल साइनस जो है वो सबसे लार्जेस्ट पैरानेजल साइनसिस होता है, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो वो होता है 15 ml जो है वो इसकी कैपेसिटी होती है, इसका वॉल्यूम होता है। उसके बाद जो है आपने इसके रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रंटल की। तो फ्रंटल साइनस जो होता है वो आपका सिचुएटेड होता है इनर एंड आउटर टेबल्स ऑफ फ्रंटल बोन के साथ जो है वो सिचुएटेड होता है। फिर हम बात करते हैं एथमोडल साइनस की। एथमोडल जो साइनस होता है वो कितने होते हैं, वो मेरी 3 to 18 इन नंबर जो है वो इसके अंदर होती हैं। इसके जो है वो एंटीरियर ग्रुप होता है और पोस्टीरियर ग्रुप होता है। पता है कि एंटीरियर ग्रुप जो है वो ओपन होता है मिडिल मीएटस के अंदर, पोस्टीरियर ग्रुप जो है वो ओपन होता है इनटू द सुपीरियर मीएटस, ठीक है। बिल्कुल सुप्रीम जहाँ मीएटस होता है वहाँ पर जाके ये ओपन होता है, हमने पहले भी किया है और ये आपका जो है वो एमसीक्यूज भी है। इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं आपकी। आपने फर्दर जो है इसके अंदर ये डायग्राम है तो अपने देख लेने हैं कौन कौन से जो नर्व्स है वो स्फिनोइड साइनस के साथ जो है वो गुजर रही होती हैं, ये आपने एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद मैंने आपको पहले भी ये चीज़ करवाई है कि जो होते हैं पोस्टीरियर ग्रुप होता है, ठीक है, पोस्टीरियर ग्रुप एथमोइड होता है, उसके अंदर क्या होते हैं ओनिडी सेल्स होती हैं, ये जो है आपका एमसीक्यूज है। उसके बाद जो है स्फिनोइड साइनस जो है वो आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है इसको। मेनली जो इसके रिलेशन है वो आपने रीड करने, यहाँ से जो है आपके एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसकी लाइनिंग क्या होती है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होती है विद द गोबलेट सेल्स, क्योंकि ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, ठीक है। इसके अलावा जो सीलिया होते हैं ओस्टिया करीब सीलिया जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। लिम्फैटिक्स जो हैं इसके अंदर वो एक कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं, उसके बाद जो जाके ड्रेन होते हैं, किसके अंदर ड्रेन होते हैं, कलेक्ट होते हैं लिम्फैटिक्स किसके, नेजल कैविटी के थ्रू, और वहाँ जाके फिर जाते हैं लेटर लेटोफ्रेंजियल और जुगलोडाइजेस्टिक नोड्स के अंदर जाते होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो है टेबल की बात करते हैं। यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि आपने याद रखना कि इसमें जो है ना मैक्सिलरी और एथमोइड साइनस होता है, या फिर आप कर लें ME जो होते हैं दो, ये दोनों जो हैं वो बर्थ के टाइम जो है बच्चों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सरे की, तो आपका जो सबसे पहले है मैक्सिलरी जो है सबसे बड़ा होता है। ये जो सबसे पहले मतलब एक्सरे पे कब नज़र आएगा, 4 to 5 months पे नज़र आएगा, जबकि जो एथमोइड है वो 1 year ऑफ एज पे जो है वो मेनली नज़र आता है। तो ये भी आपने इसके अंदर याद रखना है। इसके बाद जो आपका फ्रंटल ग्रुप है और स्फिनोइड ग्रुप है, ये दोनों बर्थ के टाइम ये दोनों नहीं होते, ये बाद में सेकेंडरी डेवलप करते हैं। और रेडियोलॉजिकल पे फ्रंटल जो है वो नज़र आता है 6 years ऑफ एज पे, और जो आपका ग्रुप है स्फिनोइड वो नज़र आता है 4 years ऑफ एज पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों चीज़ है, क्योंकि अगर सपोज छोटे बच्चे आपके पास आते हैं साइनोसाइटिस के साथ और आप एक्सरे करवाते हैं और आपको जो फ़ौरन से है वो साइनसिस जो है वो नज़र ही नहीं आते एक्सरे पे और पेस्टी नज़र आती है, तो आपको लगेगा कि मे बी इसको जो है वो हेपाटोट्रॉफी हो गई है या फिर साइनोसाइटिस हो गया या फिर कोई मैस है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो है हमारे रेडियोलॉजिकली जो है वो बाद में विजिबल होते हैं, फ़ौरन से जो है नज़र नहीं आते। इसके बाद ये कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं साइनसिस के, तो ये एयर कंडीशनिंग करवाते हैं, रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा थर्मल इंसुलेटर होते हैं, इसके अलावा जो है जो हमारे स्कल बोन है उसको लाइटन करते होते हैं। सो बस ये इसका आपको थोड़ा बहुत था, आपने रीड करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फर्दर हम बात करते हैं अक्यूट रेनोसाइनोसाइटिस की। अक्यूट रेनोसाइटिस क्या होता है कि पहले वो कहते हैं कि हमने जो पहले बात की थी कि हम साइनोसाइटिस की अकेले बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि साइनोसाइटिस सिर्फ साइनोसाइटिस ही हो, साथ साथ जो है वो नोज़ को भी इफेक्ट कर रहा होता है, नोज़ से भी सेक्रेशंस वगैरह आ रही होती हैं, इसलिए हमने इसको कहा है कि अक्यूट रेनोसाइटिस, ठीक है। अब इसमें जो है हमने पहले ही बात करनी है कि जो है इसे क्लासिफिकेशन करनी है। अगर ये अक्यूट है ना, तो अक्यूट कब होगा, जब 4 weeks से कम तक जो है ना इसकी सिम्टम्स रहें और रिजॉल्व हो जाएँ, तो हम कहते हैं कि अक्यूट है। सब अक्यूट कब होगा, जब 4 weeks से लेकर 12 weeks तक जो है इसका ड्यूरेशन हो। क्रॉनिक कब होगा, जब 12 weeks से भी ज़्यादा जो है लंबा चल जाए रेनोसाइनोसाइटिस, हम इसे कहते हैं कि क्रॉनिक है। रिकरेंट कब होगा, जब एपिसोड्स बार बार जो है 4 या 4 से ज़्यादा एक साल में आए, तो हम ये कहते हैं कि रिकरेंट है। अच्छा, इसमें ना जो ये आपकी दी हुई है ना, ये सारे सिम्टम्स सेम ही हैं कि तकरीबन रेनोसाइटिस वाले पेशेंट के साथ यही होता है कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, नेजल डिस्चार्ज होगा, फेशियल पेन होगा और सेंस की अल्टरेशन होगी। सिंपल सी बात है, जो हम रेनोसाइटिस की बात कर रहे थे सेम तकरीबन वही बात होती है,
बस हम थोड़ी सी जो है इसके अंदर ये करते हैं कि फेशियल पेन भी होता है अगर मैक्सिल इन्वॉल्व हो जाए या फिर जो एयर इन्वॉल्व होगा वो उसमें करवाएगा। फिर हम बात करते हैं अक्यूट वायरल सिनुसाइटिस की, तो सेम वही है जब हम पहले पढ़ के हैं, कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं अक्यूट, ये इतना आता नहीं होता तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। उसके बाद अक्यूट बैक्टीरियल, बैक्टीरियल में ये है कि आपने याद करना है कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोकोकस, निमोफाइलस, इन्फ्लुएंजा वगैरह जो है ना, वर्क्सेला, कैटरस, स्टेफोरिस वगैरह हो गया। ये क्लिनिकल फीचर्स सारे वही जो हम पहले करके आए हैं, ठीक है, जो हमने ये भी किए हैं, सारे यही साइन हैं, दोनों के अंदर यही होते हैं। फिर हम डायग्नोसिस कैसे करते होते हैं, हमें डायग्नोसिस करनी है कि जो है ना सिम्टम्स कब तक उसके रह रहे हैं और कितने वर्स कर रहे हैं, सो हम ये कर लेते हैं। बाद में जो है हम उसका सीट स्कैन वगैरह करवा लेते होते हैं। हम एक्सरे जो करवाते हैं वो वाटर भी करवाते होते हैं मेनली इसके अंदर जिसमें सिनुसाइटिस हो जाता है, ताकि हमें ओपेसिटी वगैरह उसके अंदर नज़र आ जाए। ट्रीटमेंट वही सिंपल जो हम करते होते हैं कि एनालिसिस दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, इसके अलावा सलाइन से इरिगेशन कर ली, वही चीज़ें हैं जो हमने पहले करके हैं, एंटीस्टामिन दे दी, रिकंजेस्टेंट दिए, इंटरनेजल ड्रॉप सीरोस दे दी। ये वैसे इसके अंदर जो है प्रॉफ के अंदर आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं आया भाई। ये आपका जो अब चैप्टर, ये बस मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है क्योंकि मैं वही बात बार बार करती हूँ कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है ना वो आती आती हैं हर साल एक दो चीज़ें, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि कुछ चीज़ स्किप ना हो। लेकिन मेन चैप्टर जो है आपको वो यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, ये आपका जो है वो यूक्यू है इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, एक्यूट मैक्सिलरी सिनुसाइटिस। अब मैक्सिलरी जो बोन होती है, मैक्सिला जो होता है, उसके हम डायग्राम बनाते हैं। ये जो है यहाँ पे हम बनाते हैं डायग्राम, ये जो है हमारी, ठीक है, फेस है, ये जो है वो नोज़ है। सो यहाँ पे जो है मैक्सिलरी सिनुसाइटिस है। अब क्या हुआ कि इसमें क्या, इसे वो कहते हैं कि मोस्ट कॉमन जो है वायरल होता है इन्फेक्शन, उसके बाद जो है बाद में बैक्टीरियल को फॉलो करता है, मतलब जब वायरल होता है बाद में प्रीडिस्पोजिशन बैक्टीरिया की लास्ट में होती है। कब ये होता है, जब स्विमिंग वाले हों उसमें मतलब स्विमिंग जो करती हैं उनमें हो जाता है, डेंटल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इसके अलावा ट्रोमा की वजह से हो सकता है। डेंटल इन्फेक्शन की बात वही है जब हमने फेशियल जो फेस ट्रोमा टू द फेस वाले में बात की थी कि सेकंड प्री मोलर और फर्स्ट मोलर जो टूथ है अगर उसका इन्फेक्शन होगा तो मेनली वो स्प्रेड करता है किसमें, मैक्सिलरी साइनस के अंदर। सो ये वही बात है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। इसमें होता है कि पेशेंट को फीवर होगा, जनरल बॉडी एक वगैरह सब कुछ होगा, हेडेक होगा, पेन होगा। अब पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होता है, वो कहते हैं अपर जाम में हो सकता है, गम्स में हो सकता है, और इसलिए ना इसकी इस रीज़न की वजह से पेशेंट जो है पहले डेंटिस्ट के पास मूव करते भी पता चल्ता है कि नहीं उसका डेंटिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कोई और प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि टेंडरनेस होती है, कहाँ पर टेंडरनेस होती है, एंटीरियर वॉल ऑफ द एंटम प्रोड्यूसेस पेन। ये बात जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक पॉइंट भी आपका है। जब हमने पढ़ा था कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिलरी साइनस पढ़ा था, उसमें सेम यही था कि चीज़ पे पेन होता है उसको, बाकी सिम्टम्स, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें है ना जब हम देखते हैं नोज़ की तरफ तो कोई ना कोई मैस जो है वो हैंग आउट कर रहा होता है, मतलब नोज़ से कोई मैस निकल रहा होता है, और इसके अलावा जब वो मैस निकल रहा होता है वो गम्स को भी जो है अच्छा खासा ख़राब कर देता है, इसके अलावा ऑर्बिट में भी इन्वॉल्व हो जाता है। सो वो उसको हम डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर होते हैं इससे। इसमें जो है कोई मैस में नज़र नहीं है, अगर खाली सिर्फ वो कहेंगे कि चीक्स पे जो है वो पेन है उसको, और जब हमने साइन देखे तो साइन में जो है वो मैस वगैरह नज़र नहीं आया बल्कि कोई डिस्चार्ज नज़र आया हमें, सो उससे जो है हमें ये हो जाता है। आगे देखें वो लिखा हुआ है चीक्स के ऊपर जो है वो रेडनेस हो सकती है, नेज़ल डिस्चार्ज हो सकता है। नेज़ल डिस्चार्ज जो है ना जब हम देखेंगे ना नोज़ के अंदर से तो हमें ना म्यूकोपस या बस या म्यूकोपस नज़र आ सकती है एंटीरेनोस्कोपी पे, लेकिन हमें कोई भी जो है स्वेलिंग वगैरह हैंग करती हुई नज़र नहीं आएगी। एंजियोफाइब्रोमा में भी ये होता है कोई मैस होता है, पॉलिप होता है तभी वहाँ पर मैस का जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई मैस का जिक्र नहीं होगा। इसके अलावा पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर डायग्नोसिस की, तो हम किस तरह डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले एंटीरेनोस्कोपी कर ली इसके अंदर जो हमने पहले बात की थी, ठीक है। सो एंटीरेनोस्कोपी करने के बाद वो कहते हैं ट्रांसलिमिनेशन टेस्ट कर लेंगे, ऐसे करवाएंगे, ऐसे में कौन सा व्यू करवाएंगे, वाटर्स व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और ये जो है अच्छा खासा जो सनस का लेवल होता है, फ्लूड लेवल होता है, या फिर कोई सनसाइटस हो गया वो सब कुछ इसमें बता देता है। सिर्फ इसमें करवा सकते हैं ये देखने के लिए कि कोई इसको जो है कैंसर तो नहीं है, मेनली हम इससे कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात याद रखनी है कि इसमें जो पेन होती है पेशेंट को फेस के ऊपर, वो कहता है कि उसको थ्रोम्बिंग पेन होता है, ठीक है, आपके पास उन्होंने ये वर्ड लिखा हुआ है थ्रोम्बिंग जो है ना वो पेन होता है, इसको बहुत शदीद वाला पेन कहते हैं इसको। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देंगे, एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन वगैरह, ठीक है। उसके बाद नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स देंगे, ऑक्सीमेटाजोलिन, मेटाजोलिन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टीम इनहेलेशन देंगे, और उसके बाद मेडिकेशन के साथ भी दे सकते हैं जैसे हम बेंजोइन साथ दे दें इसके, इसके अलावा एनजेसिस दे देंगे और हॉट फर्मेंटेशन के अंदर दे सकते हैं। सर्जिकल में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यूज भी है और आपका यूक्यू भी है कि सर्जिकल आप क्या करते होते हैं, तो हम एंट्रल लिवाज करते होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपने जो है साइनस के अंदर जाना है नोज़ के थ्रू, वहाँ से जो है हमने उसे जो है लवाज करना होता है बाय फ्लूड, इसे हम कहते हैं सर्जिकल कहते हैं, एंट्रल लवाज कहते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस में होगी कि अक्यूट मैक्सिलरी सिनुसाइटिस है तो वो हो जाएगा सब एक्यूट क्रोनिक में चला जाएगा,
अगर मैक्सिला का है तो फिर वो फ्रंटल में जा सकता है। इसके अलावा जो मैक्सिला के आगे बोन्स होती हैं उसके ओस्टाइटिस या ऑस्टियोमेलाइटिस हो सकता है, आगे कॉम्प्लिकेशन वाला चैप्टर भी है तो उसमें भी दिया हुआ है। इसके अलावा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस या एब्सेस वगैरह फॉर्मेशन हो सकती है इसके अंदर। फिर आपका जो है फर्दर अक्यूट जो फ्रंटल सिनुसाइटिस है, ये भी आपका यूक्यू है इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि ये भी ऐसे वायरल होता है, फिर बाद में जो है बैक्टीरियल हो सकते हैं, फिर वो कहते हैं कि वाटर वगैरह अंडर करें तब होगा, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई ओडिमा हो जाए, ये सब बातें जो हैं वो रिस्क फैक्टर में आती हैं। क्लिनिकल फीचर ये होता है कि उसको फ्रंटल जो है ना वो हेडेक होता है। अच्छा, अगर वो कहते हैं ना फ्रंटल हेडेक होता है तो आपने ये नहीं कहना कि चलो ये फटाफट कहना कि फ्रंटल सिनुसाइटिस है, ऐसे नहीं होता। बाज़ एथमोइडल का भी हो सकता है सिनुसाइटिस। सो फ्रंटल हेडेक होगा, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट टाइप है इसकी कि इसमें क्या होता है ऑफिस हेडेक होता है कि सुबह शुरू होता है, दोपहर तक बढ़ता जाता है और शाम तक जो है वो ठीक हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जिससे कहते हैं ऑफिस हेडेक कहते हैं। इसके अलावा टेंडरनेस होगी जहाँ पे फ्लोर ऑफ फ्रंटल सिनस के फ्लोर पे जो है कैंथाई जहाँ पे होते हैं मीडियल कैंथाई, वहाँ पे जो है ना उसको पेन होती है। अपर आईलिड का एडिमा होगा क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, सो यहाँ पे जो आईज होंगी, आईज की अपर वाला जो पार्ट है वो इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। नेजल डिस्चार्ज इसके अंदर जो है वो हो सकती है, कैसे होगा वर्टिकल स्ट्रीक नजर आएगी म्यूकोसा की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रंटल इन्वॉल्व हो गया, तो कि नोज एक्सपोज नोज के अंदर देखेंगे तो हमें ऐसे स्ट्रीक एक स्ट्रीक नजर आएगी किसकी, म्यूकोसा की। एक्सरे पे देखेंगे तो हमें ओपेसिटी नजर आ जाएगी किसके अंदर, फ्रंटल सिनस के अंदर, और आपका जो है ओएसपी के अंदर यही एक्सरे रखा होता है और ओपेसिटी फ्रंटल में होती है, मैक्सिलरी के अंदर होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट हमने दे दी जैसे हमने पहले की। फिर हमने क्या करना है कि हमने सर्जिकल में क्या करना है कि हमने ट्रेफिनेशन और ऑफ फ्रंटल सेंस करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, यूके भी है कि आपने ट्रेफिनेशन कैसे करनी है, डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। वो कहते हैं अगर आपका पेन या जो फीवर है वो 48 आवर्स तक ठीक ना हो और इसके अलावा लीड स्वेलिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाए तो ये थ्रेटन होती है कि मैं ये ना ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा सकती है। जब हमने ऑर्बिटल सेलुलाइटिस पढ़ा था तब हमने यही कोर्स पढ़ी थी कि सिनुसाइटिस की वजह से जो है ना ये होता होता है। सो इसलिए हमने इसमें क्या करेंगे, हम एक इंसियन देंगे 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पर इंसियन देंगे 2 सेंटीमीटर का, हॉरिजॉन्टल इंसियन देंगे कहाँ पे, सुप्रामीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्बिट बिलो द आई एब्रो, ठीक है, ये आईब्रो है और मीडियली पार्ट पे ना हमने इंसियन देने से क्या होगा कि जो हमने वहाँ पे एक होल लगाना है, ठीक है, होल करके पस वगैरह जो है वो निकाल लेनी है और कल्चर के लिए हमने उसको भेज देना है। ये हमारी डेफिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, ऑस्टियोमेलाइटिस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन मेन जो है ना वो ब्रेन की बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेनिनजाइटिस हो सकता है, एस्टेरुलर एब्सेस हो सकता है, फ्रंटल लोब का एब्सेस हो सकता है, इन्फेक्शन जो है ना वो पोस्टीरियर वाल में से जो है ना ब्रेन में जा सकता है, क्रोनिक जो फ्रंटल है सिनुसाइटिस हो सकता है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं एक्यूट एथमोइडल की। एथमोइड में क्या होती है कि मेनली जो है वो दरमियान में पेन होता है, यहाँ पे एथमोइड होती है जहाँ पे नोज की होती है, ठीक है। सो ये जो है ना यहाँ पे है, ठीक है। सो ये जो है ना लोकलाइज पेन होता है, एडिमा होता है, लीड करने से डिस्चार्ज होता है, स्वेलिंग होती है। ट्रीटमेंट वैसी है जो हमने पहले किया इसके अंदर, और हमने कॉम्प्लिकेशन बहुत सीवियर किस्म के अंदर होती है। सो ये जो है ना इसके अंदर वही है जो हमने पहले किया है, इतना खास नहीं है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं आता तो बेचारे स्किप कर दें। आगे है स्फिनोइड की बात करें तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक्सरे लेते हैं इसके अंदर तो पेस्टी एफ्लो लेवल जो है वो हमें स्फिनोइड में नजर आती है, लेकिन मेनली कहाँ से नजर आती है, लेटरल व्यू ऑफ स्फिनोइड साइनस इज टेकन इन स्पाइन अपॉन पोजीशन, मेनली हम ये व्यू ले रहे होते हैं। सो ये आपको जो है ना एमसीक्यूज भी है। इसके अलावा अगर हम वाटर्स व्यू लेते हैं तो वाटर्स व्यू के साथ अगर हमने फ्रंटल साइनस देखना है तो हम माउथ ओपन करवा के करवा रहे होते हैं, माउथ ओपन करवाते हैं तब भी जो है हमें स्फिनोइड नज़र आ जाता है। तो ये हम आपको जो है एक एमसीक्यू से याद करना है आपने इसके अंदर, यहीं तक था ये। अगर बात करते हैं क्रोनिक की तो क्रोनिक जो है वो कहते हैं कि पॉलिप के साथ भी हो सकता है और पॉलिप के बगैर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर जो है विदाउट पॉलिप है उसके अंदर आप ऑर्गेनिज्म याद कर लें। आगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो, कोई इंपेयरमेंट हो म्यूकोसेलुलर क्लियरेंस की, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो या ऑस्टाइटिस वगैरह हो जाए तब ये क्रोनिक में जा सकता है। इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन हो, एस्थमा हो, एलर्जी हो, ठीक है। ये फैक्टर जो है अपनी दफ़ा रीड कर लेनी है, लेकिन इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दफ़ा रीड कर लेना है आपने इसको। ये जो टॉपिक है पूरा चैप्टर इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेते हैं इसके अंदर। सो आगे हम चलते हैं इसके फर्दर जो है ये बातें आपकी इंपॉर्टेंट हैं कि कुछ ओल्डर सर्जिकल टेक्निक हैं क्रोनिक सिनुसाइटिस के लिए वो कौन कौन से यूज़ होते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा क्रोनिक अगर सिनुसाइटिस है तो फिर क्या होता है कि एंटल पंक्चर करवा सकते हैं और इरीगेशन करवा सकते हैं, इंट्रानेजल एंट्रोस्टमी करवा सकते हैं और कार्डियक लंग ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन कब करवाते हैं जब ना बार बार इन्फेक्शन हो जाए फिर हम इससे करवा लेते होते हैं। तो मैं पता है आपको अप्रोच कहाँ पे होती है, मेनली सब लेबियल अप्रोच करवा रहे होते हैं, मतलब हम जो है ये जो है लिप्स हैं, लिप्स के अंडर जो है हम जा रहे होते हैं, ठीक है, और वहाँ से जो है हम नेजली एंटर में एंटर कर रहे होते हैं। फ्रंटल की बात करें तो इंट्रानेजल ड्रेनेज ऑपरेशन करवा सकते हैं, ठीक है, ट्रेफिनेशन करवा सकते हैं, और इसके अलावा एक्सटर्नल फ्रंटोएथमोरेक्टमी करवा सकते हैं जिसे हम कहते हैं लिंच ऑपरेशन भी कहते हैं, फिर होवार्स भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है इसके अंदर। आगे और ओसोप्लास्टिक फ्लैप ऑपरेशन करवा सकते हैं, सिर्फ अपने दफ़ा नाम करनी है कि हमने कौन कौन से जो प्रोसीजर हैं हम करवा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जी आपको जिसके अंदर पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये फंगल इन्फेक्शन ही इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से भी आपको जो क्वेश्चन आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन एक आया हुआ है बस, और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। सो ये चैप्टर आप जैसे स्किप भी कर दें, ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कुछ इसमें खास आता नहीं है। अब हम बात करते हैं फंगल की, तो फंगल में वो कहते हैं कौन हो सकते हैं, एस्परजिलस हो सकते हैं, इसके अलावा जो मीकोर्म और रेजोबस वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं। अब साइनस के अंदर जो है फंगस बाल बन सकते हैं, सो सीड स्कैन पे हमें वो जो एरिया है वो हाइपरडेंस नज़र आएगा। इसके अलावा जो है इसमें बोन रियन नहीं होगी ना ही कोई एक्सपेंशन होगी, सिंपल फंगस बाल होंगे, ठीक है। सो इसके अंदर जो है वो याद रखना है। सो इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा एलर्जिक फंगल सिनोसाइटिस में क्या होती है कि इसमें जो है साइनसिस की एलर्जी की वजह से वहाँ पे पॉलिप्स वगैरह बन सकते हैं और या फिर म्यूसन भी हो सकता है। अगर म्यूसन होता है तो वो कहते हैं साथ इओसिनोफिल्स भी होते हैं, चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स भी होते हैं इसके अंदर, फंगल हाइफी भी इसके अंदर होते हैं। अब जो फंगस है वो मेनली इस पर सुने कि ये हमारा जो है ये एंट्रम है, ठीक है, साइनस है, तो इसके अंदर जो म्यूकोजा होती है लाइन करी होती है। फंगस मेनली इसके अंदर जो है इन्वेड नहीं करता, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ साइनस के अंदर ही रहता है, ठीक है। सो ये एक को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, दोनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सीट स्कैन पर क्या मिलेगा हमें, म्यूकोजल थिकनिंग मिलेगी विद हाइपरडेंस एरिया, ऐसे ही जो है बड़े आराम से हमें यहाँ पर थिकनिंग मिल रही होती है यहाँ बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, अभी कहते हैं कि प्रेशर की वजह से जो है बोन नेक्रोसिस हो सकती है, लेकिन फंगस जो है वो इन्वेड नहीं करते इसके अंदर। ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, सर्जिकल जो है वो क्लियरेंस करवाएंगे इसके, और इसके अलावा स्टेरॉइड्स देंगे। क्रोनिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि फंगस जो है वो साइनस म्यूकोसा को इन्वेड करता है, ठीक है, और बोन की जो है वो इरेजन भी होती है, बोन जो है वहाँ से ख़राब भी होती है। सीट स्कैन पर क्या होती है कि म्यूकोसा मिलेगा, ऑपेसिफिकेशन मिलेगी, बोन की इरेजन भी साथ मिलेगी इसके अंदर। और इसके अलावा जो है पेशेंट के साथ जो है ना इंट्राक्रेनियल या इंट्रा ऑर्बिटल इन्वेन अगर हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती है। सो जो है ना इसका ये इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक होगा तो ये इन्वेड कर सकते हैं। आगे कहते हैं फुलमिनेंट फंगल सिनोसाइटिस। फुलमिनेंट में क्या होता है, जो बहुत सीवियर किस्म का होता है वो कौन करवाता है, वो मेनली म्यूकोर करवाता है और या फिर एस्परजिलस करवाता है। म्यूकोर जो है, म्यूकोर माइकोसिस जो है वो मेनली कौन सा डिजीज करवाता है, राइनोसेरिब्रल। राइनोसेरिब्रल का मतलब ये है कि साथ उसने साइनस का करवाया है, नोज से करवाया है, साथ ही वो ब्रेन में स्प्रेड करता है। और ब्रेन में स्प्रेड किस तरह करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू स्प्रेड करता है। स्प्रेड करने के बाद वहाँ क्या करवाते हैं, इस्कीमिक नेक्रोसिस करवाते हैं और ब्लैकिश वहाँ पर ब्लैक हमें एरिया नज़र आएगा, ठीक है। और इन्वॉल्व करेगा इनफीडर्मिनेट को, पैलेट को, साइनस को, सबको इन्वॉल्व कर देगा। इसके बाद जो है फेस, स्कल, आइज और ब्रेन में स्प्रेड कर जाएगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेंजरस होता है, इसको हम ट्रीट करते हैं फोटेरिसिन बी के साथ। एस्परजिलस में ये है कि ये भी एक्यूट फिल्मिनेंट सिनोसाइटिस करवाता है, टिशू को इन्वेड भी करता है, ठीक है, और इसके अलावा सेप्सिस भी करवाता है, और इसके अलावा जो है बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें आती होती हैं, लेकिन इसमें कोई ब्लैक स्कार नहीं बनता। ट्रीटमेंट हम एंटीफंगल से करवा रहे होते हैं। आगे वो कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक सर्जरी ऑफ साइनस, जैसे हम कहते हैं फेस कहते हैं। फेस जो है हम यूज़ करते होते हैं जब हमारी जो डिजीज़ है वो क्रोनिक हो जाए, फिर रिकरेंट बार बार रिकरेंस हो रही हो, बार बार क्रोनिक सिनोसाइटिस हो रहा हो, ट्रीट ना हो रहा हो, फिर हम एंडोस्कोप लेते हैं और हम उसको इंसर्ट करते हैं साइनस के अंदर, और करने के बाद हम वहाँ पर सारा सारा व्यूलाइज करते हैं, जहाँ प्रॉब्लम होगी उसको हम निकाल देंगे और उसके बाद जो हम उसको क्योर कर लेंगे। सो यहाँ तक ये आपका था। इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो है क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी जो मैंने करवाया वो सिर्फ सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो करवा दिया। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिनोसाइटिस, इसमें से मेनली जो है आपके एमसीक्यूज आते होते हैं, एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ना कोई जो एमसीक्यूज है वो आया होता है। क्वेश्चन के लिहाज से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जितने भी सिनोसाइटिस का चैप्टर है वो सारे एमसीक्यूज मैंने बता दिए आपको कौन कौन से आते हैं, लेकिन ज़्यादा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, इसमें लोकल हो सकती है। हम सपोज करें कि मैक्सिला है, ठीक है, ये नोज़ है, मैक्सिला है यहाँ पे, तो उसकी लोकली कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि उसके साथ जो ऑर्बिट है वो इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, इसके बाद जो है ब्रेन है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो तीन चीज़ें जो है इन्वॉल्व हो सकती हैं। हम पहले बात करते हैं लोकल में क्या होता है। लोकल में जो मेनली है वो म्यूकोसील बन सकता है या म्यूकस ड्रेनेज सिस्ट बन सकता है। हुआ ये कि सपोज करें कि मैक्सिला है, मैक्सिला में जो है वो सेक्रेशन ज़्यादा हुई, सिनोसाइटिस हुआ। अब सेक्रेशन ज़्यादा होंगी तो हुआ ये कि जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है तो उसका जो ऑस्टिया ओपन हो रहा था नोज़ के अंदर वो क्लोज़ हो जाता है। उसके क्लोज होने की वजह से सेक्रेशन ज़्यादा होंगी, होने की वजह से वहाँ पे म्यूकोसील, बहुत बड़ा म्यूकोसील बन जाएगा पूरी की पूरी उस साइनस के अंदर। म्यूकस रिटेंशन सिस्ट क्या होता है कि जो ग्लैंड होते हैं हमारे म्यूकस साइनस के अंदर, ग्लैंड जो होते हैं सीरोम्यूकस ग्लैंड होते हैं, उनकी जो डक्ट है अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए, अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए तो पीछे जो है वो सेक्रेशन ज़्यादा होगी। सेक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे म्यूकस की एक सिस्ट, म्यूकस कंटेनिंग एक सिस्ट बन जाता है उसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर एक सिस्ट बन जाता है। सो ये छोटा सिस्ट होता है, अलग सा होता है।
सो ये दो मैंने चीज़ें डिफरेंस बता दी हैं आपको, उसमें होता क्या होता क्यों, ये बता दिया कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो साइनस सिस्टम की या वहाँ पे जो म्यूकस ग्लैंड है उसकी सिस्टिक डायलेटेशन हो जाए। अब उन्होंने कहा है कि सारे के सारे साइनसिस की हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती है वो होती है आपकी फ्रंटल साइनस की जो है वो मोस्ट कॉमन है, और ये आपका जो है वो MCQs है कि म्यूकोसिल मोस्ट कॉमन कहाँ पर होता है, फ्रंटल में होता है। फिर वो कहती हैं कि अगर ये फ्रंटल में होता है तो इससे क्या होगा कि आई बॉल जो है सो डिस्प्लेस करेगा फॉरवर्ड डाउनवर्ड एंड लेटरली, और सिस्ट जो होगी स्वेलिंग जो होती है वो नॉन टेंडर होती है। अब यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आ रहा है कि इसमें एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, सपोज करें कि यहाँ पे जो है ये फ्रंटल साइनसिस हैं, ये फ्रंटल साइनसिस हैं सपोज करें, तो यहाँ पे जब हमारा म्यूकस बनेगा बहुत बड़ा तो अगर हम वहाँ पे हाथ लगाते हैं तो हमें कैसी आवाज़ प्रोड्यूस होगी, एग शेल क्रैकलिंग जो है ना वहाँ पे हमें इस तरह की आवाज़ जो है जैसे अंडे का खोल की आवाज़ होती है वैसे हमें आवाज़ आती है इसके अंदर। सो इसमें सिस्टिक डायलेटेशन वगैरह हो रही होती है। आगे वो कहते हैं कि इसके अलावा हेडेक डिप्लोपिया प्रोसेस वगैरह इसके अंदर हो सकता है, और हम ट्रीट कैसे करते हैं, हम इसे ट्रीट करते हैं फ्रंटो एथमोरेक्टोमेसिस को ट्रीट कर रही होती हैं। आगे एथमोर साइनस का जो है म्यूकोसील हो सकता है वो डिस्प्लेस करता है एयर आई बॉल को, ठीक है, साइड पे डिस्प्लेस करता है। आगे हम बात करें म्यूकस रिटेंशन सिस्ट होती है, म्यूकस साइनस की म्यूकस रिटेंशन सिस्ट भी हो सकती है और म्यूकोसील भी हो सकता है। रिटेंशन सिस्ट वही बात है जो मैंने बताई थी आपको कि करवाता होता है, और साथ साथ जो है वो कह रही हैं इसमें ना बोन की अरियन जो है ना वो नहीं होती। उसके बाद है अगर बात करें म्यूकोसील ऑफ द मैक्सिलरी साइनस की बात करें तो ये भी हमारी कॉम्प्लिकेशन से होती है, ऑस्टियम क्लोज होगा तब होगा, सेम वही बातें सारी की सारी है। इसके अलावा बोनी वॉल जो है इसमें एक्सपेंड हो जाएगी, बहुत एक्सपेंसाइल प्रोसेस से जो है अगर वो इतनी सी थी तो वो इतनी हो जाएगी, ठीक है, और सीट स्कैन MRI में ओपेस्टी वगैरह उसके अंदर मिल सकती है। आगे वो कह रहे हैं कि म्यूकोसील जो होता है स्पिनोज साइनस का वो ज़रा ख़तरनाक सा होता है, उसमें जब होगा तो वो एक्सपेंशन भी करवाएगा वो डिस्ट्रक्शन भी करवाएगा। अब डिस्ट्रक्शन जो है वो किससे करवाता है, वो कहते हैं कि इसमें जो एक इन्वॉल्वमेंट होती है नर्व्स की वो ऐसे ही होती है जैसे हमारा स्पीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम होता है या फिर हम कहते हैं कि ऑर्बिटल एपिक सिंड्रोम होता है। सो अगर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम आती है तो उसमें कहने लव थर्ड फोर्थ सिक्स और जो फिफ्थ है वो इन्वॉल्व हो सकती है उसके ऑफ्थाल्मिक डिवीजन, और अगर हम ऑर्बिटल एपिक्स की बात करें तो उसमें एक्स्ट्रा जो नर्व आती है वो आपकी आती है ऑप्टिक और मैक्सिलरी डिवीजन आ रही होती है फिफ्थ की, ठीक है। सो ये इसके अंदर डिफरेंस है। उसके अलावा जो आई बॉल है वो बाहर तरफ आ सकती है, उसे थर्मोस हो सकता है इसके अंदर। आगे पायोसील म्यूकोपायोसील बन सकता है, ये सारे आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। आगे वो है ऑस्टियोमेलाइटिस। ऑस्टियोमेलाइटिस क्या होता है कि ये मैक्सिलरी सपोज करें है तो इसकी जो है आगे बोन जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। अब बोन की इन्फ्लेमेशन नहीं होती, मेनली बोन मैरो की इन्फ्लेमेशन होती है। अगर सिर्फ बोन हो कंपैक्ट बोन की इन्फ्लेमेशन उसे हम कहते हैं ऑस्टाइटिस कहते हैं, जबकि बोन मैरो की हम कहते हैं ऑस्टियोमेलाइटिस कहते हैं। अब यहाँ पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आ रहा है कि जो ऑस्टियोमेलाइटिस है मैक्सिला का वो मोस्ट कॉमन किस में होता है, वो मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन के अंदर होता है, छोटे बच्चों के अंदर होता है, जबकि जो ऑस्टियोमेलाइटिस होता है फ्रंटल बोन को वो मोस्ट कॉमन किस में होता है, वो मोस्ट कॉमन जो है वो अडल्ट के अंदर होता है। सो ये इसके अंदर बात जो है दोनों MCQs हैं। अब अगर चिल्ड्रन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उनकी बोन होती है मैक्सिला वो स्पंजी बोन होती है, इसलिए उसके अंदर ये करवा रहा होता है। बाकी जो फीचर है वो वही हैं जो हमने पहले किया था, साइनोसाइटिस वाला किया था, सेम वही फीचर है। और इसमें ट्रीट हम कैसे करते हैं, हम एंटीबायोटिक देते हैं, उसके अलावा ड्रेनेज करवा रहे होते हैं इसके अंदर। आगे है आपकी ऑस्टियोमेलाइटिस ऑफ फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो है वो अडल्ट में डेवलप करती है, इन्फेंट चिल्ड्रन में नहीं होती, पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट आपका MCQs आ रहा है, वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है पस अगर प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, फ्रंटल बोन में होती है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ उसके बाद जो है ऑस्टियोमेलाइटिस हुआ, अब पस यहाँ से होता हुआ, ठीक है, ये आपकी जो है सपोज करें स्पेस है आपकी यहाँ पे, ये है, ये आपका फ्रंटल है, ठीक है। अब फ्रंटल से क्या हुआ कि वहाँ पे साथ ही साथ में हमारा इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर गया। अब स्प्रेड कहाँ पे करेगा, वो कहते हैं कि अगर पेरिओस्टम के बाहर की तरफ वो स्प्रेड करे, अंडर द स्किन करे, तो उसे हम कहते हैं पोर्स पफी ट्यूमर कहते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट जो है ना वो MCQs है। इसके अलावा अगर वो ड्यूरा के नीचे हो तो हम इसे सब ड्यूरल कहते हैं, और ड्यूरा के बाहर हो लेकिन बोन के अंदर तरफ स्प्रेड कर जाए तो इससे हम एक्स्ट्रा ड्यूरल कहते हैं। अगर ब्रेन में चला जाए तो हम कहते हैं ब्रेन एब्सेस कहते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं आपकी ये लोकली जो है वो स्प्रेड कर रही होती है इसके अंदर, ठीक है। सो ये आपके जो इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्बिट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, तो ऑर्बिट जो इन्वॉल्व होता है वो हमने पहली बात की है, आई के अंदर पढ़ा था, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस वगैरह पढ़ा था कि वो साइनोसाइटिस जैसे हो रहा हो। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिड का एडिमा होगा, फिर सब पेरिओस्टल एब्सिस होगा, फिर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, VN को बहुत ज़्यादा थ्रेटन करवाता है। इसके अलावा ऑर्बिटल एब्सिस हो सकता है, इसके अलावा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम हो सकता है जो हमने पहले बात की थी, और ऑर्बिटल एपिक सिंड्रोम हो सकता है, ये भी हमने पहले बात कर चुके हैं, जो कि मेनली स्फिनोइड से आ रहा होता है इन्फेक्शन। इंटरक्रेनियल की बात करें तो सेम वही है जो कि हमने एयर के इन्फेक्शन पढ़े थे कि मेनिनजाइटिस करवा सकता है, स्टेरियल एब्सिस करवा सकता है, सब ड्यूरल एब्सिस हो सकता है, ब्रेन एब्सिस हो सकता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के अंदर हो सकती हैं। सो आगे ना आपका टेबल दिया होगा एक, ये वाला ये आपका इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके अंदर भी आपके जो है वो MCQs आते होते हैं। अच्छा आगे हम बात करते हैं कि डिसेंडिंग इन्फेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। सो डिसेंडिंग इन्फेक्शन बता देना है आपने कि ओटाइटिस मीडिया हो गया, फ्रिंजाइटिस हो गया, सारे जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं।
मैं बताती हूँ आपको टेबल के बारे में कि ये आपको इम्पोर्टेंट टेबल है एमसीक्यू के लिहाज से आपने क्या करना है। वो ये कहते हैं कि आपका रूट इन्फेक्शन जो है वो कैसे स्प्रेड करता है इन साइनसिस के थ्रू। तो वो कहते हैं अगर नोज़ और डेंजर एरिया फेस है, नोज़ के बिल्कुल नीचे वाला जो एरिया तो डेंजर एरिया में आता है, वहाँ पे अगर फ्रंगल से सेप्टल अपसेस है तो वो कैसे जाएगा हमारे कैसे करवाएगा कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कैसे करवाएगा, तो वो जाएगा थ्रू द फ्रिंजल प्लेक्सस जाएगा। ठीक है, सो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर अगर दो बातें हैं, अगर तो है आपका एथमोइड साइनस का मसला है या फिर ऑर्बिट का मसला है, ठीक है, इन दोनों में जो है वो जाएगा ऑफ्थाल्मिक वेन के थ्रू जो है वो स्प्रेड होगा। अगर स्फीनॉइड की बात करें, फ्रंटल साइनस की बात करें, ठीक है, अगर इनकी सिनुसाइटिस होती है तो वो हमारे पास कैसे जाएगा, सुपरा ऑर्बिटल एंड ऑफ्थाल्मिक वेन्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, या सुपरा ऑर्बिटल जा सकता है या फिर ऑफ्थाल्मिक वेन्स तो जाता है। मेनली जो तीनों में है ये वेन्स ही आ रही होती है, ऑफ्थाल्मिक वेन ही आ रही होती है। अपर लिड की बात करें तो वहाँ पर एंगुलर वेन होती है। ठीक है, और अगर फेरिस की बात करें तो सेम वही जो हमने नोज की बात की थी कि इसमें फेरेंजियल प्लेक्सस से जा रहा होता है। एयर की बात करें तो पेट्रोसल वेनस साइनसिस जो है वो कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करवा रहा होता है। सो ये अपने रूट जो है इसके अंदर याद करने, कोई भी एमसीक्यू इसके अंदर आ सकते हैं। आगे इनमें अपने डिफरेंस के लिए याद कर लेना है कि जो ऑर्बिटल सेटस है मेनली वो कहाँ से अराइज करता है, उसका सोर्स क्या होता है, तो एथमोइड साइनसिस मेनली इसके जो है वो होते हैं। और कवर्नस साइनसिस कौन से होते हैं, वो नोज हमने अभी पढ़े हैं कि सारा टेबल जो है हमने सिर्फ किया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं, नोज हो सकती है, साइनस हो सकते हैं, ऑर्बिट हो सकती है, एयर हो सकता है, फेरिंग्स हो सकता है, सारे इसी के अंदर आएंगे। अब जो ऑर्बिटल सेटस के अंदर जो है ना ऑनसेट वो स्लो होते हैं, जबकि कवर्नस साइनस के अंदर अब्रप्ट होते हैं। जब जो चैप्टर आपने किया था ऑर्बिट वाला आई से, वहाँ पे आपको कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी दिया हुआ था, ऑर्बिटल सेटस भी दिया हुआ था, सो वहाँ से मैंने आपको करवाया था कि आप सिर्फ डिफरेंस एटलीस्ट याद रखें। तो इसमें क्या होता है कि अचानक से ही उसकी जो है ना आँखें जो है ना वो बाहर को निकल आती हैं, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं अचानक से, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, चिल्स होती हैं, टॉक्सीमिया के साइन मिल रहे होते हैं, पूरी पूरी जो आँख है मोस्ट होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे उभर के बाहर आ जाती है। इसके अलावा कैटेनम की इन्वॉल्वमेंट हम बात करें तो इसमें जो इन्वॉल्व होती हैं वो कंप्लीट ऑफ्थाल्मोप्लेजिया करवा रहा होता है ऑर्बिटल सेटस के अंदर, जबकि इसमें जो है वो कोई कोई इन्वॉल्व इंडिविजुअली इन्वॉल्व कर रहा होता है। अच्छा, इसकी हम बात करें तो ये इन्वॉल्व करते हैं वन आय को, जबकि ये इन्वॉल्व करता है बोथ आय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर ना, कि ऑर्बिटल सेटस वन को करवाते हैं मेनली, जबकि कवर्नस साइनस का जब पिक्चर देखते हैं आई के अंदर भी पिक्चर आपकी बनी हुई है, वहाँ पर वो दोनों आयस को अफेक्ट करते हैं। और ये आपका है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, आपका मेनली जहाँ से जो है ना वो एमसीक्यूज आ रहा होता है तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते कि कवर्नस साइनस है या फिर ऑर्बिटल सेटस है। सो आपने याद करना है कि एक तो इसमें ग्रेजुअल होती है, यूनिलैटरल होती है, जबकि कवर्नस साइनस में अचानक से होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है और दोनों आयस को ये अफेक्ट करता है। सो आपका ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, साइनसिस वाला तो मैंने बताया आपको कि नोज़ वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपने वो करना है, साइनसिस वाला जो है वो आपने बिल्कुल लास्ट में करना है।